आ रहे हैं आप लोग। मैं सरोज, गुरप्रीत सरोज में आप सबका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग, आशा करते हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज मैं आपको अपने किचन में लेके जाऊंगी और क्या बनाऊंगी आप गैस करिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। जो लोग नॉन वेज के शौकीन हैं उनके लिए मैंने एग करी बनाई है, बस आप भी उसी तरीके से फॉलो करिए और बना के देखिए कितनी स्वादिष्ट बनती है। चलिए चलती हूँ, कहाँ वही अपने किचन की तरफ। अंडे उबालने के लिए यहाँ मैंने पानी रख दिया था, 4 अंडे लिए हैं मैंने, यहाँ डाल देंगे पानी में। अंडे उबलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों। चलिए अंडे उबल गए हैं, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ ले लिया है मैंने 1 चमचा तेल, सरसों का लिया है, आप जो भी खाते हैं वही डालिए। चला देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। सरसों के तेल को अच्छी तरीके से पका लीजिए, कच्चापन निकल जाए इसका। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, यहाँ देखिए जब तक मैं अंडों को टूथपिक की सहायता से मैं थोड़ा थोड़ा होल कर रही हूँ ताकि हमारे जो मसाले हैं इसमें अब्सॉर्ब हो जाएं। ये देखिए इसी तरीके से तेल हमारा गर्म हो गया है। चलिए अब हम डालते हैं इसमें कटी हुई अपनी प्याज, ध्यान से डालिएगा। चलिए सारी प्याज डाल के इसे हम चला देंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये देखिए इस तरीके से हो जाए ये डन है। चलिए अब चलते हैं अगले मसाले की तरफ। यहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया था, उसे भी डाल दिया है। चला देंगे इसे भी जब तक इसका भी कच्चापन ना निकल जाए। मसाले दोस्तों आप जब तक अच्छी तरीके से भून ना लें जब तक और मसाले ना डालें। चलिए यहाँ ड्राई मसाले बता देती हूँ। हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक, हींग और ये कुटी काली मिर्च और थोड़ी देगी मिर्च, सब मसालों को एक साथ डाल देंगे। चला देंगे अब इनको अच्छी तरीके से भूनेंगे, चलाते जाएं और भूनते जाएं। देखिए कितना अच्छा मसाला भून रहा है हमारा मसाला। जितना अच्छा आप पकाओगे उतना ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। देखिए जब तक ऊपर ऑयल ना आ जाए जब तक आप मसाले को भूनते ही रहिए। अब यहाँ पे जाएगी हमारी टोमेटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, उनको मिक्सी में पीस लिया था, उसे भी डालेंगे, उसको भी पकाएंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए जैसा रोगन ऊपर को आ रहा है कढ़ाई में, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। चलिए अब डालते हैं थोड़ा हरा धनिया। हरा धनिया पहले भी डाल लो तो थोड़ा इसका स्वाद भी इसमें करी में अच्छी तरीके से आ जाता है। पका लेंगे अच्छी तरीके से। अब डालेंगे पानी, आपको जितनी जैसी ग्रेवी चाहिए उसी तरीके से आप पानी डालिए। उस हिसाब से पतली चाहिए तो उस तरीके से देख लीजिए, अगर थिक चाहिए तो कम डालिए। मैं यहाँ इस तरीके की बना रही हूँ कि जिसमें हम रोटी भी खा सकें और चावल भी। चलिए पानी भी बॉयल हो गया है। 1 अंडा मैंने अपनी बेटी की बेटी है वो बड़े शौक से खाती है इसलिए मैंने उसको दे दिया था, बाकी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको भी पकाएंगे अच्छे तरीके से। इसमें बन गई है सब्जी हमारी। चलिए अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी लग रही है। चलिए अब ऊपर से डाल देंगे इसको हम थोड़ा हरा धनिया और आप अंडे को, ये देखिए देखिए कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है ना हमारी रेसिपी। ऊपर से थोड़ा धनिया भी गार्निश कर लेंगे और 1 अंडे को थोड़ा सा इस तरीके से कटिंग करके आप ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर से धनिया डालेंगे, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी डिश। थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए इसको इसमें हम डालेंगे क्रीम, थोड़ा थोड़ा सा क्रीम डाल दीजिए, इसी तरीके से डिश में और जान आ जाएगी। ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी एग करी की रेसिपी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और FB पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप वहां से देख के मेरी रेसिपी देख सकते हैं। चलिए चलते हो, फिर से आऊंगी आपके लिए एक और अच्छी रेसिपी लेके। अगर आप कोई रेसिपी मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो रेसिपी बना के जरूर दिखाऊंगी। चलिए चलती हूँ, बाय बाय।